नहीं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, दिखा रहा हूँ आपको, आपको जो उन्होंने करना चाहिए। अभी बताइए हमें इतना पब्लिक को यहाँ का बात सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ बात ये कि अगर ये बात जाके ये मौलाना लोग इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ पर आए देने के लिए 75,000 साइन लेके आया, लेने वाला पार्ट ऑफिस नहीं था, ये बात पब्लिक के मालूम पड़ेगा, महसूस मुझे क्या हाल होगा। नहीं देखिए आप, मेरे आपसे विनती है कि प्लीज डोंट टेक पर्सनली, मैं ये आपके हिसाब से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो भी आप जो भी आपको इसमें सहयोग चाहिए हमारे पास से 100% सहयोग मिलेगा, ये मैं प्राण जलेश आपके ऑन बिहाफ ऑफ मैं कहता हूँ। तो आप ऐसा है प्रॉब्लम शिकायत एक अलग मैटर हो गया, हम यहाँ पर आए ये 75,000 मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आए, हमने एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई एक डेलीगेशन लेके हम आने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम था हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अगर उनको कहीं जाना था तो हम उनको ये नहीं कि हमने टाइम दिया तो हमारे लिए वो रहे, जाना था वो चले जाते लेकिन हमको इन्फॉर्म कर देते कि मैं आज नहीं हूँ आप कल आ जाइए मंडे को आ जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आप मुसलमानों की इंसल्ट कर रहे हैं, 75,000 मुसलमानों की कोई वैल्यू है ही नहीं, वो आ रहे हैं तो आपका जो है वो ऑफिस का है जो है वो आदमी जो है उसको वो रिसीव कर देगा और चला, वो तो हमने प्रेशर डाला तो इन्होंने आपको बुलाया, वरना हमको यही लग रहा था कि हमारी ऐसे जो है वो रिसीव कर लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी विनती है आपसे कि मैं डीलर है, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ESDM एक्सेप्ट करता हूँ, और जिसमें जो भी सहयोग है अभी आप आ गए, आपका आपका जो कहना है कि ESDM साहब को मालूम होते हुए भी वो चले गए, कैसे होता है कि हमको भी बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, तो फिर मैंने यही बताया अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप इन्फॉर्म कर देते, हम कल आ जाते परसों आ जाते मंडे को आ जाते, हम इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये क्या होता है कि जब किसी को भाई बंद कर दो, सच्चे में बंद कर दो भाई, जिसकी वजह से अगर सुनिए बात बताता हूँ प्रधानमंत्री साहब, ऐसा है कि सबसे मेन काम आपका ये है कि बुरुंडी के आवाम को इंसाफ कैसे मिले उसके लिए यहाँ कानून उठाया गया है, ऑफिशियली काम के लिए उनका एक दूसरा काम है। अभी ये जो है 75 का मान लो जो पूरी दुनिया में चल रहा वाले उसका 1% बुरुंडी में हो जाएगा, कौन सा जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार रहेगा? पुलिस डायरेक्ट बोले कि तुम जिम्मेदार हो, हमारे साथ इंसाफ करा नहीं जाएगा, हमको हमको कोई पूछा नहीं जाएगा, किस कौन जिम्मेदार रहेगा बताइए उसको आप। देखिए रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, जब जब तक इनको एहसास होगा कि हमारे साथ जुर्म हो रहा है इंसाफ नहीं मिल रहा है तो ये रोड पर निकलेगा इंसाफ मांगने के लिए, मगर इनको ऑफिशियली इंसाफ मिलेगा रोड पर निकलेगा नहीं। मैं किन्हीं नहीं बता रहा, दुनिया में जो हो रहा है और वही यहाँ हो रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। आप इस पोस्ट बैठे हुए हैं तो उस पोस्ट का आपको वैल्यू नहीं मालूम तो इस पोस्ट बैठने की लायक नहीं है आप, और उस कुरान को अगर नहीं मालूम को वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का किस्म का नुमाइंदा है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नुमाइंदा कलेक्टर और गवर्नर होगा, गवर्नर का कलेक्टर होगा, नुमाइंदा कलेक्टर हो गया, कलेक्टर का नुमाइंदा पेपरांत हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप बनाया क्यों गवर्नमेंट ने, इसीलिए बनाया ना कि भाई हमको प्रेसिडेंट के बाद हमको जाने का पैसा नहीं है, ये जाने की ताकत नहीं है दिल्ली, तो हम प्राण के पास जाएँ बोलने के लिए, मतलब प्राण की जरूरत क्या थी मुंडी में, अगर डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट या कलेक्टर के पास जाने का हमारे होती कैपेसिटी तो प्राण की जरूरत क्यों मुंडी में, सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, मैं उस सिस्टम में जो बैठा वो फॉलो नहीं कर रहे, अरे सामने से वो भी नहीं है कि वो कि हाँ भाई गलती है या हमारे साथ तकलीफ हो गई है, नहीं हम सब तरह से हम ही गलत कर रहे हैं।